अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ तंदूरी चिकन। तंदूरी चिकन जो जिस तरह हम होटल में खाते उसी तरह। इसके लिए एक मुर्गी लिया और इसके चार हिस्से कर लिए। चार हिस्से करके इसको वॉश कर लिया और इसको सारे चिकन को कटा लगा लिया। अब इसके ड्राई मसाला में 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टी स्पून काली मिर्ची, 2 सूखी मिर्ची, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। सबसे पहले मैं एक पैन रख दिया। अब इसमें पैन गर्म हो गया, इसमें हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अच्छे से सोंधी से खुशबू आना शुरू हुई इसकी, इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और निकाल लेंगे। हल्की सी खुशबू आना शुरू हुई और ये चटकने लगे। और पैन गरम है, अब इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। बस इतना ही काफी है, ज्यादा गरम पे जल जाती है। अब इसको निकाल लेंगे। अब इसको ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे। तंदूरी चिकन का मसाला तैयार हो गया। कसूरी मेथी को हम इसको रोस्ट करके रखे थे, इसको भी हाथ से क्रश कर लेंगे। सबसे पहले एक डिश लेंगे। अब उसमें हम गाढ़ा दही लेंगे। गाढ़ा दही है, पानी नहीं रहना, ये घर का जमेवा दही है गाढ़ा, 2 टेबल स्पून भर के। अब ये डिश में जो दही डाले, अब इसमें ड्राई मसाला डालेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी, 3 टीस्पून भर के हैं मिर्ची, 4 टीस्पून भर के हैं नमक, 4 टीस्पून नमक है, 3 टीस्पून लाल मिर्ची है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन है। अब जो मसाले हम तैयार करके रखे थे वो डाल देंगे और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल डालने से क्या होता है, मसाले चिकन को अच्छे से पकड़ लेते हैं। और 1.5 लेमन, 1.5 लेमन है, ये खराब नहीं है, फ्रेश लेमन है ये। अगर मैं नहीं काटूंगी तो ये भी कमेंट्स आएंगे कि लेमन खराब था, आप डालें। ये माशाल्लाह बहुत फ्रेश लेमन है। और टोटल हम 1.5 लेमन डालेंगे, लेमन का जूस। चिकन तंदूरी स्पाइसी के साथ साथ खट्टा और चटपटा भी रहता है। इसमें लेमन की अच्छी क्वांटिटी रखती है, फिक्का नहीं रहता। इसको ऐसा चटपटा बनाना, इसका जायका ज़बरदस्त आता है। ये इसमें स्पाइसेस अच्छे रहते हैं। फूड रेड कलर 3-4 चुटकी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम चिकन को अच्छे से मसाला लगा लेंगे। इसे कटो में फिंगर की मदद से मसाले से भर देंगे इसको। अच्छा डैशेस में भर देंगे और इसको एक्स्ट्रा जो है इसको झाड़ते हुए निकाल लेंगे। देखिए इसको अच्छे से मसाला लगाने के बाद दूसरे बर्तन में डाल देंगे और सारे चिकन के पीसेस को इसी तरह मसाला लगा के रख देंगे। इसको फाइल कवर से कवर करके
4 से 5 घंटे फ्रिज में रख देंगे। अगर आपके पास फंक्शन है तो आप सुबह में बना के फ्रिज में रख दे सकते, या सुबह में लंच में बनाना है, लंच में फंक्शन है तो शाम में बना के आप फ्रिज में रख दे सकते। दोपहर के टाइम बना के, अगर शाम में फंक्शन है दोपहर के टाइम बना के आप फ्रिज में 4-5 घंटे के लिए इसको कवर करके रख सकते। अब तो 4-5 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दे रही हूँ। अगर चाहे तो आप ओवरनाइट भी इसको फ्रिज में रख सकते हैं, कुछ भी ख़राब नहीं होता अभी और अच्छा होता है। मसाले अंदर तक चिकन में अच्छे पहुँचते और चटपटा स्पाइसी चिकन तंदूरी बनके तैयार होता। अब इसको फ्रिज में रख देंगे, 4-5 घंटे के बाद इसको चेक करेंगे। 4 घंटे हो गए, अब इसको पकाएंगे। इसके लिए मैं पैन रख दिया, अब इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, चिकन डालेंगे इसमें। अब इसको और जो मसाला बच गया वो भी इसके ऊपर से डाल देंगे। अब इसको कवर कर देंगे, 15 मिनट इसको तेज फ्लेम पे पकाएंगे। बीच बीच में चेक करके इसके साइडों को बदलेंगे। 15 मिनट के लिए जो मैं तेज फ्लेम पे ढाप के रखी थी, लेकिन बीच में 5 मिनट हम धीमे पे रखेंगे, फ्लेम को धीमा कर देंगे 5 मिनट, और 10 मिनट तेज से पकेंगे। जब तक हम फ्लेम को धीमे फ्लेम पे चिकन को नहीं पकाते, जब तक इसका चिकन में से इसका पानी रिलीज ना होता। अगर डायरेक्ट हम 15 मिनट तेज पे पकाएंगे तो इसका पानी भी रिलीज ना होता और वैसे कच्चा रह जाता, ये गलता नहीं। इसलिए 15 मिनट के लिए जो ढाप है 5 मिनट हम धीमे पकाएंगे, 10 मिनट तेज फ्लेम पे, और साइडों को भी बदलेंगे। 5 मिनट धीमे पकाने से पानी अच्छे से इसमें रिलीज होता है, और कवर करके पानी जो रिलीज होता है, इसका चिकन का पानी रिलीज होता है, वही पानी में चिकन अंदर तक अच्छे से गल जाता, नहीं तो कच्चा रहता, गलता भी नहीं। ये बर्तन कंजेस्टेड हो रहा, खुले बर्तन में डाल के पकाऊंगी, बड़ा बर्तन भी, और ऑयल से इसको ग्रेस करेंगे। अब जो हम इसमें पानी, इसका जो पानी रिलीज हुआ था चिकन का, वो डाल देंगे। 15 से 20 मिनट इसको पकाने में ये ड्राई हो गया। अब इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे। अब मैं इसकी छन्नी में स्मोकी फ्लेवर देने के लिए जमा रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोयले को जला के थोड़ा सा बटर या घी उस पर कोयले पर डाल के उससे भी स्मोकी फ्लेवर दे सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा असली घी से ग्रीस करेंगे, हल्का सा, या बटर से भी आप ग्रीस कर सकते हैं। ये असली घी मेरे चैनल पर इसका वीडियो है, आप ज़रूर देखिए। उसमें मस्का बिल्कुल आसान हाथ से निकालने का तरीका है, बिल्कुल आसान तरीके से, आप ज़रूर देखिए। इसकी साइडों को बदलते हुए पकाएंगे। स्मोकी फ्लेवर भी इसमें आ जाता, और इसमें जितना भी कुछ कच्चापन, अगर गोश्त में चिकन में रह गया, कुछ पानी भी रह गया, तो वो भी निकल जाता, और इस पर स्पॉट्स आने तक इसको पकाएंगे। और फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारी प्लेट रेडी है ओनियन और लेमन के साथ, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना। जो आग से हम फ्लेवर इसको स्मोकी फ्लेवर दे रहे हैं, आग पे पकाने के बाद क्या होता है, जिस तरह हम कच्चे कपड़े को निचड़ के उसका पानी निकालते हैं, उसी तरह आग इसमें बचा कुचा जो पानी हो जा, कच्चापन जो भी रहता उसको निकाल फेंकती।
माशाल्लाह रेस्टोरेंट्स में भी इतना टेस्टी नहीं आता, बहुत अच्छा टेस्टी बना बिल्कुल। देखिए चिकन की हड्डी चिकन छोड़ दी, इतना अच्छा गला और इतना अच्छा इसमें मसाले का टेस्ट है, फीकापन नहीं है और बिल्कुल आसान तरीके से बना। अगर आपके पास स्मोक देने छन्नी नहीं है तो आप तवे पर भी इसको सुखा सकते और कोयले के स्मोक फ्लेवर दे सकते। चलिए तंदूरी चिकन की रेसिपी मेरी मुकम्मल हो चुकी है, आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।